दोस्तों नमस्कार नमस्कार वेतनदार, ये बिजनेस दमदार वाले का है, कमजोर वाले का नहीं है। दोस्तों नमस्कार वेतनदार, मैं खेम थापा बेसिकली साधुपाड़ा से हूँ। लगभग 17 साल इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा था, उसी दौरान ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मन में विश्वास जागा। और क्या नहीं हो सकता है अगर चाहने से, तो मन में विश्वास जागा। सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी में लेने का पहला दिन है, मैं चाहता हूं हमारे मिस्टर.खेम थापा के लिए एक जोरदार तालियां, जिनके तो दोस्तों आज उनके माध्यम से बिजनेस मिला। हम यार दोस्त मिलते मिलते और तीसरा दोस्त मिल गया जिन्होंने हमेशा हिम्मत दिया, सपोर्ट दिया। दोस्त मैं हूं ये करता रहे तो उनके गाइडलाइन में हम चलते रहे। तो हमें पुशअप करने वाले प्रेरणा के स्रोत हमारे कोच, हमारे मेंटर, सबसे पहले मेंटर मिस्टर अविनाश सर के लिए एक जोरदार तालियां। तो दोस्तों हम आर्मी में थे, भटक रहे थे, तरीका नहीं था काम करने का। हमें डायरेक्शन, सही समय पर सही डायरेक्शन देने के लिए हमारे महागुरु जी मिस्टर रवि शर्मा आए। मैं चाहता हूँ रवि शर्मा जी के लिए एक जोरदार तालियां। तो दोस्तों 1600 किलोमीटर दूर रहते हुए हमारे महागुरु जी मिस्टर सरनाम सिंह और हमारे डबल डायमंड लीडर मिस्टर योगेश कुमार जी ने हमें टेलीफोन में गाइडलाइन दिया कि हिम्मत मत हारो दोस्त, हम बीच बीच में चक्कर लगाते रहेंगे, हम मोटिवेशन देते रहेंगे और तुम्हें डायमंड बना के दिखाएंगे बोल के उन्होंने प्रेरणा दिया करता था। तो मैं चाहता हूँ हमारे दोनों महागुरु जी के लिए एक जोरदार तालियां। तो दोस्तों जिस तरीके से ये बिजनेस प्लान आज आपको मिला है, उसी तरीके से ये बिजनेस प्लान हमें भी मिला। और मिलने के बाद हमने भी सोचा क्या नहीं होता है, जब आर्मी में 24 घंटे के नौकर है तो 24 घंटा इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जब हम छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी में अगर कुछ मेहनत करके अगर एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है तो हम मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटते। लेकिन रास्ता सच्चाई का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रास्ता सच्चाई का होना चाहिए, हम मेहनत करने के लिए पीछे कभी हटते नहीं है। तो दोस्तों मेहनत करते गए, ट्रेनिंग प्लान को अटेंड करते रहे, ट्रेनिंग में आते रहे, प्लान में आते रहे। लोगों ने मना किया ऐसा नहीं चलता है, ऐसी कंपनी तो हमने 5 साल करके छोड़ा, ऐसे ऐसे ताना मारे, फिर भी हम हिले नहीं है, फिर भी हम हिले नहीं है, डटे रहे। तो डटने के बाद दोस्तों आज आकर ये एमरल्ड की पोजीशन, जो कि एक रेड क्लब के लीडर में आज हम आए, आज हमारी एक भविष्य सिक्योर हो गई। अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है तो एमरल्ड बनने के बाद दोस्तों हमारे घर के परिवार की सुरक्षा बन जाती है। तो चाहते हैं एमरल्ड बनना, कुछ भी हो जाए इस स्टेज तक, एमरल्ड की पोजीशन तक मुट्ठी बांध के आने की कोशिश करना है माय डियर फ्रेंड, हिलना नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग आज भाग्य को लेके, मेरा भाग्य नहीं है, मेरा किस्मत नहीं है, इस भावना को लेकर चलते रहते हैं। दोस्तों भाग्य के बारे में तो मैंने एक किताब में पढ़ा था, डेल कार्नेगी की किताब में पढ़ा था, भाई भाग्य तो वो है सही समय में सही लोगों के संगत में आना ही भाग्य है। दोस्तों आज से सब सही लोगों के संगत में सही समय में हम आने का मौका मिला है। बात मानना है सिस्टम में, सिस्टम का हाथ अपना इनका साथ चलते रहना है, समाते हुए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करे आएंगे, हमें भी भ्रमित करने के लिए आए थे कि भाई मेरी तो आदत नहीं है हर घर में जाकर बहु बनना, मेरी तो आदत है सास बन के अधिकार जमाना अपने घर में। तो ये सोचते हम सेफ शॉप में आए दोस्तों, तो कभी भी बहु बनने की कोशिश नहीं करना, सास बनने की हिम्मत बना के आगे बढ़ना है, बस इसी के साथ साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों बस एक विश्वास के साथ में आगे बढ़िए। क्या नहीं होता है हर चीज होता है आपके अंदर से, आपके डिसीजन से, आपके निर्णय से। जीवन में एक सक्सेस होकर दिखाऊंगा, सेल्फ हेल्प में इतिहास बन के दिखाऊंगा, ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जैसे जीवन जी ने बोला है कि अगला जो हमारे गुरु जी है मिस्टर अविनाश जी के बाद में, हम सेफ शॉप को जिंदा रखने के लिए मुट्ठी बांध चुके हैं। कुछ भी हो जाए वेस्ट बंगाल और पूरे भारत में हमारे टीम में जो भी लोग आते हैं उनको जिंदा रखना हमारा काम है, हमने पढ़े लिया है, हमने मुट्ठी बांधा है। तो यहाँ पर मैं स्टेज के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मेरे टीम के सारे लोग, मेरे सेफ शॉप ट्रिपल एस के सारे लोगों के लिए, मुझे कुछ भी करने के मौका मिले तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
आप मुझे कुछ भी कर मतलब बता सकते हैं, आपकी सफलता के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बस दोस्तों हिम्मत बनी है, थैंक यू। बस केवल मैं आपको यहां पर आकर अपने सपनों को विराम देना चाहूंगा एक शब्द के साथ साथ, कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदले के हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर, बस एक कोशिश तो कर। तो दोस्तों मेरे अपलाइन ने जो बोला मैंने वही माना भाई, फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड किया, संडे का प्लान अटेंड किया, मैंने कभी ट्रेनिंग प्लान में कभी बहाना नहीं बनाया। क्या आप लोग भी ट्रेनिंग प्लान को अटेंड कर सकते हैं? अटेंड कर सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड ये स्टेज आपका भी इंतजार कर रहा है, बस ट्रेनिंग प्लान में आते रहिए, अपलाइन की बातों को मानिए, अपना दिमाग मत लगाइए, सिस्टम की बातों को मानिए, ये स्टेज आपका भी इंतजार कर रहा है, ये एमरेट की पोजीशन आपकी भी इंतजार कर रही है। तो यहाँ अगर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आगे डायमेंशन की कहानी हम जब डायमंड बनेंगे उस समय शेयर करेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, मेरी पैरिश टीम के लिए एक दिल